वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन बूथ को लेकर गार्डन आनी शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन करने के लिए 2 दिन की मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए जिला के सभी SMO को बुलाया गया है। इस ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर तैयार करेंगे। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि पोलिंग बूथ की तर्ज पर वैक्सीनेशन बूथ तैयार किए जाएं और वोटिंग की तर्ज पर ही टीकाकरण किया जाए। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग कंट्रोल रूम भी स्थापित करेगा। कोरोना की वैक्सीन के लिए सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ पे जो मेन हैं TOT जिसको हम कहते हैं वो बनाए जा रहे हैं। मास्टर ट्रेनर्स आज तैयार हो जाएंगे। आज 5 बजे तक हमारी सेकंड राउंड है ट्रेनिंग का। उसके बाद ये मास्टर ट्रेनर्स ब्लॉक में जाके बाकी जो ब्लॉक है वहाँ पर सभी को ट्रेन करेंगे। इसके बाद जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया जाएगा। वैक्सीन लॉन्च का जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जो प्रोग्राम बनाया गया, जैसे पोलिंग बूथ होते हैं उसी तरह की एक स्ट्रैटेजी होगी। जैसे पोलिंग के लिए बीच में आपको वोटर लिस्ट वगैरह मिलती है, इसी तरह एक आपको बेनिफिशियरी लिस्ट हमारे यहाँ बनाई जा रही है। उस बेनिफिशियरी लिस्ट के हिसाब से जो भी बेनिफिशियरी होंगे उनको पहले जो आदमी आएगा वो उनको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमने आई कार्ड उनके हैं, जैसे किसी का पर्सनल आई कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उससे उनकी आई कार्ड की वेरीफिकेशन होगी। उसके बाद उसके आधार से भी वेरीफिकेशन होगी, और उसके बाद आधार कार्ड है, मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आधार कार्ड हो तो अच्छा रहेगा, वेरीफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद उसको टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने के बाद फिर उसको एक आधे घंटे के लिए हम एक स्पेशल रूम में बिठा के रखेंगे ताकि कोई आफ्टर इफेक्ट है, कोई बुखार है या कुछ और तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उसको देखा जा सके, उनको संज्ञान में लेके आया जा सके, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सके। उसके बाद उसको फ्री कर दिया जाएगा, और उसके कुछ देर के बाद 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद एक बार दोबारा उसकी एक और डोज लगाई जाएगी। सर ये ट्रेनिंग कब तक चलेगी? ये ट्रेनिंग आज हमारी सेकेंड राउंड है, जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं आज ट्रेन हो जाएंगे। इसके बाद ये ट्रेनिंग हैं जो ब्लॉक लेवल पर चली जाएंगी। उसके एक हफ्ते के अंदर हमारे को बाकी सारे जो अपना प्रेफरेंट है सभी को ट्रेन करना। सर बूथ वगैरह कितने लगेंगे इसकी कोई डिटेल? अभी जो इसकी डिटेल है अभी नहीं आई है, अभी बेसिक ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इसके बाद जैसे कि ही बनेगा कि कितना आपके लोड कितना है उसके हिसाब से आपके बूथ्स बनेंगे। प्राइमरी लेवल पे जो डॉक्टर्स की हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की जो बूथ लगने हैं वो PSC CSCs के ऊपर लगाए जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी पब्लिक को या जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जाने हैं उसके लिए स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा। जिस तरह से पोलिंग बूथ पहले बनते थे उसी तरह से वैक्सीनेशन बूथ भी स्कूलों में ही बनेंगे।